नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको CBSE की तरफ से जो 1920 में मैथ्स का पेपर होने वाला है और मैथ्स के जो दो टाइप है, पेपर के दो टाइप है, एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक का पेपर और एक है बेसिक मैथमेटिक का पेपर। तो स्टैंडर्ड और बेसिक मैथमेटिक का क्या फंडा है, आखिर CBSE को ये कदम क्यों उठाना पड़ा और क्या CBSE के इस कदम से बच्चों का फ़ायदा होगा या बच्चों की मुश्किलें और बढ़ जाएगी, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। साथ हम ये जानेंगे कि आखिर कौन सा पेपर हम ऑप्ट करें, कौन सा पेपर हम चूज़ करें कि हमें आगे जाकर फ़ायदा हो और कौन सा पेपर हमको चूज़ नहीं करना चाहिए जिससे हमें आगे जाकर नुकसान हो। तो इन सभी विषयों पर हम चर्चा करते हैं। जैसे ही दो पेपर दिखते हैं हमको, जैसे ही दो कैटेगरी दिखती है, बेसिक मैथमेटिक और एडवांस मैथमेटिक, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि यार इसकी दोनों की अलग अलग बुक होगी, यानी कि एक बेसिक मैथमेटिक की अलग बुक होगी और स्टैंडर्ड मैथमेटिक का जो पेपर है उसकी बुक अलग होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही बुक सेम ही रहेगी, यानी आपको NCERT या RD शर्मा जो भी आपकी इधर चलती है उसी बुक से ही क्वेश्चन पेपर आएगा, चाहे वो बेसिक मैथमेटिक का हो या एडवांस मैथमेटिक का हो। तो जब बुक एक चलनी है तो हो सकता है पीरियड अलग अलग लगेंगे, बेसिक मैथमेटिक वालों को पीरियड अलग लगेगा और एडवांस मैथमेटिक वालों को पीरियड अलग लगेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, एक साथ ही आप पढ़ेंगे, बेसिक मैथमेटिक वाले भी और एडवांस मैथमेटिक वाले भी बच्चे एक ही साथ एक ही टीचर से पढ़ेंगे। तो फिर क्या डिफरेंस है, अगर सब कुछ एक ही जैसा होना है तो फिर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि अगर आप बेसिक मैथमेटिक का पेपर ऑप्ट करते हो तो आगे जाकर आप साइंस से जुड़ी हुई फील्ड में नहीं जा सकते, यानी आप ना तो मैथ साइंस ले सकते हैं, ना IT कर सकते हैं, ना इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ऐसे कोई भी जो मैथमेटिक्स से जुड़े हुए जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जो भी फील्ड होती है, आप उसको ऑप्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने 10th क्लास बेसिक मैथमेटिक्स यानी इजी मैथमेटिक्स से पढ़ के पास हुए हैं। इसलिए आप हायर मैथमेटिक में या हायर मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई किसी भी फील्ड में आप नहीं एडमिशन ले सकते, ये इसका एक नुकसान है। लेकिन अगर वही बच्चा अगर स्टैंडर्ड मैथमेटिक चूज़ करता है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक का क्वेश्चन पेपर लेता है अपने एग्ज़ाम में, वो किसी भी फील्ड में जा सकता है। उसका मन बाद में हुआ कि यार नहीं, यार मैथ नहीं पढ़ना, तो वो कॉमर्स में जा सकता है, आर्ट्स में जा सकता है, ह्यूमैनिटीज़ में, किसी में भी जा सकता है। सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूँ इस चीज़ को। मान लीजिए कि कोई बच्चा आगे चलकर एक राइटर बनना चाहता है, एक फोटोग्राफर बनना चाहता है, या फिर वो ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहता है, या फिर वो एक पॉलिटिशियन बनना चाहता है, इस टाइप की कोई सी भी फील्ड वो लेना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको मैथमेटिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो वो बच्चे जो आगे जाकर मैथ्स की फील्ड को नहीं ऑप्ट करना चाहते हैं, कुछ भी दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे फिर वो फैशन डिज़ाइनर की हो या किसी भी इस टाइप की जो चीज़ें जिसमें मैथमेटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, तो उन बच्चों को बेसिक मैथमेटिक ऑप्ट करना चाहिए या बेसिक मैथमेटिक का पेपर को चूज़ करना चाहिए। लेकिन जो बच्चे आगे जाकर साइंस फील्ड में रहना चाहते हैं, मैथमेटिक की फील्ड में रहना चाहते हैं या उससे रिलेटेड किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको एडवांस मैथमेटिक का पेपर ऑप्ट करना चाहिए, एडवांस मैथमेटिक को चूज़ करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस रहेगा बेसिक मैथमेटिक के पेपर में और स्टैंडर्ड मैथमेटिक के पेपर में। तो चलिए मैं आपको स्लाइड के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे कैसे डिफरेंस दोनों में आएगा। तो सबसे पहले कोई भी मैथमेटिक का पेपर बनता है या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर बनता है तो उसकी चार स्टेज होती है। चार स्टेज कौन कौन सी होती है? एक होती है रिमेम्बरिंग, दूसरी होती है अंडरस्टैंडिंग, तीसरी होती है अप्लाइंग और चौथी होती है एनालाइजिंग या एवेल्यूटिंग या फिर क्रिएटिंग, कुछ भी कह सकते हैं इन तीन में से। तो ये चार कैटेगरी में ही पेपर बनता है अक्सर। तो अब हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले बात करते हैं रिमेम्बरिंग की। तो रिमेम्बरिंग का क्वेश्चन पेपर अगर हम देखते हैं तो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर है, रिमेम्बरिंग जो फील्ड है उसके अंदर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर आएगा, यानी जो आपने स्टैंडर्ड मैथमेटिक का क्वेश्चन पेपर अगर ऑप्ट करते हो तो आपको इस टाइप के केवल 20 नंबर के ही क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि पूरे पेपर का आपको 25% ही मिलेगा, यानी कि इजी क्वेश्चन जो आएंगे। रिमेम्बरिंग का मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन कितने आएंगे? ओनली 25%, या कह सकते हैं कि 20 नंबर के क्वेश्चन इजी वाले आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसी को अगर हम बेसिक मैथमेटिक में देखें, बेसिक मैथमेटिक में यानी बेसिक जो क्वेश्चन पेपर चूज़ करेगा उनको 32 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 80 में से 32 नंबर के क्वेश्चन बहुत ईजी आने वाले हैं, यानी कि कुल का 40%, जबकि आपको पास होने के लिए कितना चाहिए? ओनली 33% चाहिए, जबकि 40% क्वेश्चन तो बहुत ईजी आने वाले हैं। तो बेसिक मैथमेटिक इस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा है
अंडरस्टैंडिंग, यानी दूसरी जो स्टेप है वो अंडरस्टैंडिंग वाली है। तो जो अंडरस्टैंडिंग वाली स्टेप स्टेज है उसके अंदर स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर यानी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर वाले बच्चे जो है उनको 23 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले, यानी पूरे के 29%। लेकिन अगर बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें तो उनको 28 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले, यानी कि पूरे का 35%। यानी कि यहाँ पर भी जो इजी से थोड़ा से टफ है, यानी ज़्यादा टफ नहीं कह सकते इसको, थोड़े से यानी 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 3 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन है, जो इजी वाले क्वेश्चन है वो आपको 35% मिलेंगे, यानी कि 28 नंबर के क्वेश्चन इजी वाले मिलेंगे, और जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के उनको ओनली 23 मार्क्स के ही मिल पाएंगे। चलिए ये हो गए दूसरा। फिर तीसरी जो कैटेगरी आती है, तीसरी जो स्टेज आती है वो है अप्लाइंग, यानी यहाँ पे थोड़े टफ क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो जो टफ क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के जो पेपर है उसके अंदर 19 नंबर के टफ क्वेश्चन आएंगे। वहीं अगर हम बेसिक क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो आपको वहाँ पर ओनली 12 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें बड़े क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे, यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ही नहीं उसके अंदर। ओनली 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे टफ वाले। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बेसिक वाले की। अगर हम जाते हैं चौथी कैटेगरी में, हमारी चौथी स्टेज बोलते हैं एनालाइजिंग, एवेल्यूएटिंग और क्रिएटिंग। ये सबसे टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, यानी कि ये हायर थिंकिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं। और इसमें अगर हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर की बात करें तो बच्चों को 18 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही टफ आने वाले हैं, 18 नंबर के, यानी पूरे का 22%। जबकि बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें, यानी जिन्होंने बेसिक क्वेश्चन पेपर चूज़ किया है उनको ओनली 8 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें भी बड़े क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे। तो आप देखे जाए तो इस सभी को मिलाकर अगर देखें हम, चलिए हम सबको मिलाकर देखते हैं कि सबको मिलाकर देखने से स्थिति क्या बनती है। सामने जो अगली स्लाइड है, एक तरफ देख रहे हैं आप स्टैंडर्ड पेपर लिखा है, दूसरी तरफ बेसिक पेपर लिखा है। तो अगर स्टैंडर्ड पेपर के फर्स्ट 2 रोज़ को हम देखें, उसका एडिशन करें, तो देखिए जो रिमेंबरिंग है वो 25% है और जो अंडरस्टैंडिंग है वो 29% है। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आता है 54%, यानी 54% क्वेश्चन जो है वो ईजी आएंगे किसमें, स्टैंडर्ड में। और अगर नंबर की बात करें तो 43 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो इजी वाले आएंगे किसमें, स्टैंडर्ड वाले। इसी में अगर हम बेसिक पेपर में जाते हैं और फर्स्ट 2 रोज़ को जोड़ते हैं, जैसे रिमेंबरिंग में 40% और अंडरस्टैंडिंग में 35%, दोनों को अगर ऐड करते हैं 75% होते हैं, पूरे पेपर के 75% क्वेश्चन बहुत ही ईजी आने वाले हैं। अगर हम मार्क्स में जाते हैं तो देखिए 28 और 32 को अगर हम ऐड करते हैं तो पूरे होते हैं 60 मार्क्स, यानी 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी आने वाले हैं, उसको हर बच्चा इजीली कर पाएगा। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो बहुत डिफरेंस है दोनों पेपर में बहुत डिफरेंस है। जो बेसिक मैथमेटिक लेगा उसको 60 मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि 75% क्वेश्चन बहुत ईजी मिलने वाले। वहीं अगर जो स्टैंडर्ड पेपर क्वेश्चन पेपर को ऑप्ट करेगा उसको ओनली 43 नंबर के ही क्वेश्चन इजी मिलने वाले हैं, बाकी क्वेश्चन उनको टफ मिलेंगे। और इधर अगर देखा जाए बेसिक वाले को, तो बेसिक वाले को अगर टफ की बात करें तो 15% और 10% दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 25% क्वेश्चन ही उनको टफ मिलेंगे। और अगर मार्क्स में जाए तो 12 और 8 यानी कि केवल 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि टफ आएंगे। अगर बच्चा वो छोड़ भी देता है तो भी वो 60% यानी फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकता है। वहीं अगर हम स्टैंडर्ड मैथमेटिक की बात करें तो 18 और 19 अगर जोड़ते हैं तो 37 नंबर के क्वेश्चन आपको टफ या बहुत टफ आने वाले हैं स्टैंडर्ड वाले में। तो इससे बहुत आसानी से आप पता कर सकते हो कि आपको कौन सा पेपर चूज़ करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको आप अपनी फील्ड के हिसाब से ही पेपर को चूज़ करेंगे। अगर आगे जाकर आपको मैथ्स के किसी भी फील्ड में जाना है तो आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक ही चूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आगे जाकर आप मैथ की किसी फील्ड में इंटर नहीं कर पाओगे। बेसिक मैथमेटिक वाले, अगर आपको आगे जाकर मैथ की फील्ड में नहीं जाना है तो ही आप बेसिक मैथमेटिक लीजिए, अदरवाइज़ आपको भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक ही लेना चाहिए ताकि आप किसी भी फील्ड के लिए स्वतंत्र रहे, कोई सी फील्ड आप आगे चूज़ कर सकते हो। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन इसमें हो तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।